जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड की वजह से फंसे पहलवान सुशील कुमार के ऊपर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप सभी को बता दें कि करीब 20 आरोपी बताए गए थे सागर धनखड़ हत्याकांड केस में, जिनकी पहचान हुई। 15 करीब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 12 पर दोस्तों 22 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 अगस्त को दोस्तों हमने देखा था किस प्रकार से एक चार्जशीट दर्ज कराई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिर फैसला आया था कि 6 अगस्त को कुछ बड़ी सुनवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अब 20 अगस्त तक दोस्तों एक संज्ञान का जो लिया गया है उसका फैसले का इंतजार किया जाएगा। तो यानी कि पूरी तरीके से यहां पर सुशील कुमार और उनके साथी फंसे हुए हैं, क्योंकि 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भले ही सुशील कुमार के वकील का यह कहना हो कि सुशील कुमार उस रात को मार रहे हैं, वीडियो में हमने भी देखा है, लेकिन वो एक डंडे से यानी कि एक लाठी से मार रहे हैं। आप उसे चाहे हॉकी स्टिक कह लीजिए, चाहे लाठी कह लीजिए, वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, लाठी ही दिख रही है। लेकिन उससे ये तय नहीं हो सकता कि सागर की जान सुशील कुमार ने ही ली है। असली हथियारों को पकड़िए, सुशील कुमार के ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगाइए, क्योंकि सुशील कुमार ने मारा जरूर है लेकिन हत्या नहीं की है। सुशील कुमार के वकील का ये बयान सामने आया। अब ये बयान किस तर्क में दिया, ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई। लेकिन आप सभी को बता दें कि जेल की सलाखों के पीछे इन दिनों सुशील कुमार क्या कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सुशील कुमार पर सबसे बड़ा खतरा था काला जठेड़ी को लेकर, लेकिन काला जठेड़ी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं सुशील कुमार का डर और जो मन में थोड़ा बहुत एक हाव भाव था वो कम हुआ होगा कि चलिए अब उसकी कोई जान ले सकता है, क्योंकि खुद काला जठेड़ी अब पुलिस के शिकंजे में है। तो जो मास्टरमाइंड था काला जठेड़ी पूरे गैंग के पीछे, वही गिरफ्तार हो गया, तो सुशील कुमार की मुसीबतें आधी यहीं कम हो गई। और उसके बाद दोस्तों जेल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई कि जितने भी ओलंपिक के खेल हैं, बाहरी देश की न्यूज़ है, उन सभी से रूबरू होने के लिए वो जितना भी एक अलग सा जो कैबिन होता है वहाँ पर सभी कैदी मिलकर टीवी देख सकते हैं। उसमें पहले सुशील को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उन पर गैंगस्टर का खतरा था, लेकिन जब से काला जठेड़ी गिरफ्तार हुआ तब से सुशील कुमार को इजाज़त मिल गई है कि वहाँ पर जाके वो टीवी देख सकता है। तो वो ओलंपिक के मुकाबले देख रहा था दोस्तों अब तक। अब ओलंपिक भी खत्म होने की है, यानी कि आखिरी पड़ाव पर है। भारत देश के लगभग सभी मुकाबले हो चुके हैं। 7 कुश्ती के पहलवान लड़े थे जिसमें से 2 ने मेडल जीत लिया है। जब रवि दहिया सिल्वर मेडल जीते तो सुशील कुमार की आंखों में आंसू भी आ गए थे, तो ये अपनी अलग ही बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक खबर ये भी सामने आई थी कि सुशील कुमार जेल के अंदर सभी वहाँ पर जितने भी सिपाही रहते हैं उसकी सेल के बाहर उनको कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता है। टिप्स दो तो हेल्थ से रिलेटेड होती है। अब सुशील कुमार जैसा 2 बारी ओलंपिक चैंपियन, जिसकी एथलीट यानी कि जिसका शरीर इतना फिट है और 38 साल का है दोस्तों, देख कर कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन फिटनेस लाजवाब है। तो हर कोई उनसे यही टिप्स लेता है कि आखिर अपना शरीर भी ऐसा कैसे बनाए, क्योंकि हर कोई मजबूत रहना चाहता है शारीरिक तौर पर। तो सुशील कुमार बिना किसी झिझक के उन्हें टिप्स देते हैं। साथ ही जब सुशील कुमार अंदर कुश्ती के दावपेच अकेले ही करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और अपनी फिटनेस को सही रखने के लिए कुछ दंड बैठक और अन्य चीज़ें करते हैं जिससे उनका शरीर फिट रहे, तो सारे के सारे सिपाही दोस्तों उनके सेल के बाहर जितने खड़े रहते हैं बस उनको देखते ही रह जाते हैं। ऐसी जेल के तरफ से सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई है। तो ये हैरान कर देने वाली बात है कि सुशील कुमार अंदर ही दोस्तों अपने ज्ञान देने लगे हैं लोगों को। वैसे तो छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पहलवानी के दाव पे सिखाए, लेकिन जो पुलिस सिपाही इनको इन पर शिकंजा कस रखे हैं उन्हीं को दाव पे सिखाना ये अलग बात है। ये कुछ अलग ही दोस्तों नज़ारा हमें देखने को मिला है। इसी वजह से दोस्तों ये हाई प्रोफाइल केस है। कोर्ट भी दोस्तों ये समझ लीजिए, कोर्ट या दिल्ली पुलिस सब समझ लीजिए कि छाछ भी इस समय फूक फूक के पी रही, क्योंकि वो जानते हैं कि एक चूक बहुत दिक्कत दे सकती है। समय ले रहे हैं अपना, चार्जशीट्स दायर करने में भी दोस्तों 3 महीने का समय लिया। 4-5 मई रात को दोस्तों ये घटना घटी थी, 2 से 3 अगस्त को चार्जशीट दर्ज करी गई है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताएं सुशील कुमार के परिवार के बारे में, तो वहाँ पर से भी दोस्तों ज़्यादा कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। दिक्कत वाली बात दोस्तों इस केस में ये सामने आई है कि पहले से सुशील कुमार का परिवार इतना परेशान है, दूसरी तरफ सुशील कुमार की पत्नी को इस केस में वहाँ का एक गवाह के रूप में बना लिया गया है, क्योंकि गवाह इस वजह से बनाया गया है क्योंकि सुशील कुमार का जो वो फ्लैट विवादों में रहा सागर धनखड़ जिसमें रहता था वो उनकी वाइफ सावी सोलंकी के नाम पर ही था। तो अब मालकिन वो हुई तो गवाह भी दोस्तों वो ही बनेंगी। दूसरी तरफ दोस्तों सतपाल सिंह ने भी जब से सुशील कुमार यानी कि उनके दामाद इस केस में फंसे थे उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, इस वजह से क्योंकि वो अपने दामाद यानी कि सुशील को लेकर काफ़ी परेशान थे। और देखा जाए दोस्तों तो इस समय ओलंपिक में जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी कुश्ती का है वो सुशील कुमार और सतपाल सिंह ही हैं, लेकिन वही दो सबसे मजबूत कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से भरे खिलाड़ी
अपने उन सब जूनियर पहलवानों के साथ उस समय मौजूद नहीं थे जब वो सब कुश्ती के दाव पेश कर रहे थे। अगर वहाँ पर सुशील कुमार या सतपाल सिंह होते तो दोस्तों सिल्वर मेडल गोल्ड में तब्दील हो सकता था और ब्रॉन्ज मेडल भी गोल्ड में तब्दील हो सकता था, और जो पहलवान हारे हैं उनकी हार की जगह ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल हो सकता था, क्योंकि सुशील कुमार का सपना था कि वो गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक जैसे खेलों में। ये भी बात सामने आई थी कि जब रवि दहिया हारे थे, सिल्वर मेडल जीते थे वो भले ही, लेकिन सुशील कुमार की आंखों में आंसू थे। सुशील कुमार जानते थे कि उनकी हार का कारण क्या है, क्योंकि खुद सुशील कुमार दोस्तों पहले भी एक ओलंपिक फाइनल हार चुके हैं। किस प्रेशर में खेला जाता है मैच, किस दावपेच के साथ खेला जाता है मैच, कैसे दोस्तों आपको सिल्वर मेडल गोल्ड में तब्दील करना होता है, ये काम बखूबी सुशील कुमार जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जो काम कर चुका है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वैसे सुशील कुमार को देखा जाए तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फिर अगले ही ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज का रंग बदलते हुए सिल्वर में तब्दील कर लिया, और चाहते तो दोस्तों जो अगला ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल में भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन फिटनेस और अन्य कारणों की वजह से वे आगे नहीं जा पाए थे। और उसके बाद उम्मीद तो इनको इस बार थी कि वो गोल्ड मेडल लाकर ही रहेंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते दोस्तों थोड़ा बहुत उनकी फिटनेस और बाकी सब मानसिक चीज़ों को लेकर असर पड़ा, जिसकी वजह से वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए और उनकी जगह बजरंग पुनिया को दिया गया। तो बजरंग पुनिया से उम्मीदें थी कि गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, लेकिन हाँ ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीते, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। दूसरा, हम बात कर रहे थे दोस्तों सुशील कुमार के परिवार की, तो सतपाल सिंह ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन जब रवि दहिया और बजरंग पुनिया मुकाबला जीते तो उनके ऑफिशियल अकाउंट से ही दोस्तों उनको बधाई दी गई, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बधाई देने का एक केंद्र बन चुका है। कोई भी कहीं पर भी कुछ भी मुकाबला जीते सोशल मीडिया से बस उसे बधाई दे दी जाती है। वो जमाना नहीं रहा जब घर पर मिठाई लेके पहुंचा जाता था, पूरा देश इकट्ठा हो जाता था, गलियों में ढोल नगाड़े बजते थे, पटाखे फूटते थे। वो जमाना अब इतना नहीं रहा, बस सोशल मीडिया पर #नीरज चोपड़ा #रवि दहिया करके एक ट्रेंड कर देते हैं और उसमें बधाई दे देते हैं। तो ये एक अलग ही तरीका है। ऐसे ही सतपाल सिंह ने भी किया, जो दूरी बना रखी थी अपने एक चेले यानी सुशील कुमार की वजह सोशल मीडिया से, तो दूसरे चेले रवि दहिया की वजह से सोशल मीडिया पर वापस आना पड़ा। लेकिन अभी परिवार दोस्तों ये जंग लड़ रहा है कि किसी तरीके से सुशील कुमार को जेल के सलाखों के बाहर लाया जाए। लेकिन अब दोस्तों हमने एक चीज का पता करने की कोशिश की थी कि जो सुशील कुमार पर आपराधिक मामले लगाए गए हैं, अगर वो सच साबित होते हैं कोर्ट के अंदर, मान लीजिए एक तर्क दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सज़ा बताई गई है उम्र कैद, या उससे बड़ी सज़ा फांसी की। अब ये सुनकर दोस्तों किसी का भी दिल टूट सकता है, खासकर सुशील कुमार के परिवार वालों को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा होगा। लेकिन वकील की पूरी कोशिश है किसी तरीके से सुशील कुमार को बेगुनाह साबित कर उनको जेल की सलाखों से बाहर लाया जाए। दूसरी दोस्तों दिक्कत वाली बात एक और ये है कि काला जठेड़ी भी गिरफ्तार हुआ है, और सागर धनखड़ हत्याकांड मामले को लेकर उससे भी 4-5 घंटे पूछताछ हुई थी, जहां पर उसने ये बात सूत्रों के अनुसार कबूली है कि सुशील कुमार से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी जब सोनू महल की उसने पिटाई कर दी थी सुलह को लेकर, और साथ ही साथ सुशील कुमार और काला जठेड़ी पहले भी मिला करते थे। कई बार तो सुशील कुमार की उसी फ्लैट पर आता था जो फ्लैट इन दिनों विवादों में रहा है मॉडल टाउन का। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो सुशील कुमार केस में उस पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी बताई गई थी। दोस्तों देखते हैं कि 20 अगस्त को क्या जानकारी सामने आती, सारी जानकारी आप सभी तक रखी जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।